पहले घर की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि घर बहुत गंदा है मेरा। यहाँ पर ना जब मैं रहती हूँ ना, बहुत मतलब इतना सुकून है, इतना सुकून है माशाल्लाह से। कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पर, तो समझ में नहीं आता कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए फिलहाल घर देखिए, घर की हालत। आप लोग, ये सब चादरों से मैं कवर करके गई थी, अब ये मुझे सब हटाना है। पूरा घर एकदम गंदा हो रहा है, इतना डस्टिंग हो, इतना डस्ट हो रहा है ना, बहुत डस्ट। ये घर भी देखे कितना फैला हुआ है, सारे बीम बैग पे कपड़े पड़े हुए हैं। बस मुझे ये सोच रही, मुझे हाल मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। शाहजहन ने और फैला दिया वहाँ पर। शाहजहन, हम तुमको बेकार लाए बेटा, तुम तो और मेरा काम ख़राब कर रहे हो। किचन को भी साफ नहीं कराया, किचन को डस्टिंग भी नहीं करा, अभी किचन को भी करेंगे। मेन अभी रूम्स में बहुत, रूम्स बहुत गंदे हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर सो रहे थे हम लोग, ये इस वाले रूम में सो रहे थे हम लोग, अभी इस रूम को भी समेटना है। तो चलिए पहले फटाफट घर साफ कर लेते हैं। टॉयज देखना है, कहाँ है, कहाँ है टॉयज सब? देख ठीक है, हम दिखा ले लो को। चलो कहाँ है? नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ टॉयज का। चलो टॉयज का है तुम्हारा, टॉयज। हाँ जा, टॉयज का है ये शाहजहन का ना, पूरा टॉयज का बैग। मैं इसको ढक के जाती हूँ कहीं कुछ इसमें। ये देखिए शाहजहन, वाह शाहजहन की कार। शाहजहन चल, तुम्हारी बेटा, तुम्हारे देखो टॉयज, इसमें बॉल है, टेडी है, वाह ये भी है तुम्हारा शाहजहन का। वाह, जंप ऑन इट शाहजहन, जंप, ये भी है शॉपिंग कार्ट, जा जंप। शाहजहन गिर जाओगे पीछे पे, सामने जाओ। कितना कचरा निकला है देखिए। रूम पूरे साफ हो गए हैं मेरे, बहुत ज़्यादा एकदम गंदा हो रहा था, क्लीन हो चुका है सब। इनको मैंने ये रूम, एक्चुअली जब मैं रहती हूँ तो एक ही रूम यूज़ करती हूँ, दूसरा रूम यूज़ नहीं करती हूँ, तो उसको मैंने कवर झाड़ के अच्छे से एकदम कवर कर दिया है मैंने। यहाँ पर भी पूरा क्लीन हो गया है, चादर उठा दी है, जिस रूम में मैं रहूँगी चादर उठा दी, अब दूसरी चादर बिछाऊंगी, और सब डस्टिंग वगैरह सब हो गया है। तो अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। समय नजर से पीछे जाओ, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है कि मैं दिन सिटी गई थी रात को, क्योंकि मेरे सारा सामान वहाँ घर पर है, और मैंने सोचा कि सफाई बहुत दिन से नहीं हुई है, 4 महीने से मैं यहीं पर हूँ, सो इसी वजह से मैं वहाँ गई थी। समय ना ऊपर जैसा, हाँ सो मैं वहाँ गई थी, और माशाल्लाह से आपने देखा, माशाल्लाह नहीं, आपने देखा कि कितनी गंदगी थी। मैंने पूरी सफाई करके घर साफ कर लिया है, और जल्दी जल्दी मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आज दावत में जाना था, मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स की बेटी की शादी है, सो आज वहीं जा रहे दावत में, और बस मैंने ना आपको दिखाया भी नहीं मैंने क्या आउटफिट पहना, बस एक बार रेडी हो जाऊँगी तब मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो चलो ब्लॉग में आगे बने रहिए, और देखिए हमारे साथ, चलिए चलते हैं हमारे साथ कि कैसे अरेंजमेंट्स है कैसे नहीं। फिलहाल मैं अभी पहले तैयार हो जाऊँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं हुई हूँ, तो तैयार हो जाऊंगी तब मैं एक बार मैं आपको अपना आउटफिट दिखाऊँ। चलिए बाबा, मेरा लेडी हो क्या? जूता चुरा रहा हूँ। कजन कौन सा शूज पहन रहे हो तुम? वाइट वाला शूज चुरा रहा हूँ। वाह ये अच्छा है, वाइट वाला खोल दिया तुमने, वाइट वाला अच्छा नहीं है, वाइट वाला गंदा है। हाँ। अच्छा 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 ये अच्छा है, ओके ठीक है डन। सो बस यहाँ हम लोग सब रेडी हो गए थे, शाहजहाँ ने साड़ी पहनी थी और मैंने यहाँ पर गाउन पहना था,
और अनियन कलर का, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से। और ये था मेरा पूरा लुक। तो चलिए, बहुत देर हो चुकी है और प्लीज़ पीछे बैकग्राउंड को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात जब इंसान कहीं जाता है सो बच्चों के साथ है, थोड़ा सा घर मैसी हो जाता है। सो चलिए, यहीं बबी रेडी हो गई थी। शादी बी एन आर ऑफिसर्स क्लब में हुई थी, जो गार्डन रीच में है, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। माशाल्लाह से इंतज़ाम बहुत अच्छा था और यहाँ हम लोग टेस्टी टेस्टी पापड़ी चाट इंजॉय कर रहे हैं। स्टार्ट थोड़ा सा यहाँ हम लोग ने इन्जॉय करा। यहाँ पर स्पिनी लगा हुआ था, जो 360 डिग्री पे जो वीडियोस बनते हैं, और सब ने एक एक करके हम लोग सब ने ये रील बनाई है, और इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलरेडी डाला है, प्लीज़ जाके देखिए जिन्होंने नहीं देखा है। और बहुत मज़ा आया मुझे ये करने में। दुल्हा दुल्हन जिस स्टेज में थे वहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ जा नहीं सक रहे थे हम लोग, तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही थी वहीं से मैंने ये रिकॉर्डिंग करी है। यहाँ शाजिया को शौक उठा था फायर पान खाने का, वो फर्स्ट टाइम बोल रही थी ट्राई करेंगे, और मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं करा, मुझे पता नहीं क्यों एक डर सा है। शौक में खड़ी तो हो गई लेकिन उसको भी डर था दिल में।
खाना खा लिया था और बहुत देर हो चुकी थी, तो बस अब हम लोग निकलने लगे। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।